मुंबई का सातवें रिक्शा वाला मोबाइल चोर किन लोगों को करता था टारगेट, देखिए खास रिपोर्ट। मुंबई के बोरिवली पश्चिम MHB पुलिस ने एक ऐसे रिक्शा चालक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है जो दहिसर और बोरिवली इलाके में नशे में धुत लोगों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस निरीक्षक जयंत माने के अनुसार MHB पुलिस स्टेशन के हद में मोबाइल चोरी की वारदात ज़्यादा हो रही थी, जिसको देखते हुए MHB पुलिस ने CCTV और सूत्रों की मदद से जाँच करना शुरू की। MHB पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस की मदद से आरोपी दिनेश चतुर्वेदी को दहिसर से गिरफ्तार कर लिया। जांच में MHB पुलिस को पता चला कि रिक्शा आरोपी चोरी करता था। MHB पुलिस ने आरोपी के पास रिक्शा और मोबाइल जब्त कर लिया है। आरोपी अक्सर बियर बार के पास नशे में धुत पैसेंजर को रिक्शे में बैठाता था और उनके पास से मूल्यवान वस्तु चोरी कर लेता था। आरोपी दिनेश चतुर्वेदी दहिसर का रहने वाला है। आरोपी के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 10 से ज़्यादा मोबाइल चोरी के मामले दर्ज। रिपोर्ट समय नेश्वर मुंबई। दिल्ली पुलिस ने एक मोबाइल चोर और एक रिक्शा चोर को गिरफ्तार किया है, क्या है मामला डिटेल बताइए। MHB पुलिस स्टेशन के अंदर दहिसर स्टेशन के पास रिक्शा चोरी हुई थी। CCTV की मदद से हमने आरोपी को अरेस्ट किया है, उसके पास से रिक्शा जमा की है और मोबाइल के बारे में पूछताछ जारी है। उसकी एक दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है, उसके आगे की कार्रवाई चालू है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले किसी अलग पुलिस स्टेशन में इस तरह के मामले दर्ज है? आरोपी ने पुलिस मुंबई के अंदर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे अलग अलग जगहों पे ऐसे ही प्रकार के गुने किए, ऐसी कबूली दी है। तो पुलिस कस्टडी के बाद उसके पास और इंक्वायरी करके उसके बारे में पूछताछ करेंगे। सर आरोपी के पास से क्या क्या रिकवर किए? आरोपी के पास से हमारे पुलिस थाने की जो रिक्शा चोरी हुई थी वो बरामद की गई है और मोबाइल के बारे में उसके पास इंक्वायरी करना बाकी है।